अरे मायरा, तुम कह रही थी ना इस बंगलो में बहुत सारी आत्माएं होती है, आज देख ही लेते हैं कैसी होती है ये आत्माएं। मेरी बात मानो स्मिता, प्लीज यहाँ से वापस चलो। मेरे पापा ने इस बंगलो के आसपास भी जाने के लिए मना किया है, उन्होंने यहाँ पर आत्माओं को देखा है। अरे मायरा, तुमने उस वीडियो में देखा था ना, क्या कह रही थी वो? अगर हम आत्माओं से अच्छे से बात करना चाहे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। हाँ, उल्टा हमारी मदद करती है, और मेरी तो बहुत सारी विशेष है। तुम लोग को जाना है, तुम जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। अरे मायरा, ऐसे कैसे जा रही हो? हम तुम्हारी कॉलोनी में आए हैं और तुम हमें छोड़ के जा रही हो? अरे मायरा चलो, तो चलो, कुछ नहीं होगा, चलो। कम ऑन यार, चलो ना। चलो। चल मायरा। ये देखो कितनी डरावनी डरावनी चीजें हैं दीवार पर, है ना? हाँ, कई आत्माएं ना हो। अरे आत्मा देखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। रुको, मैं बुलाती हूँ। हेलो आत्मा, आप कहाँ हो? देखो अगर आप हो तो प्लीज रिप्लाई दो। अरे हंस मत, आत्मा को बुरा लग जाएगा। हेलो, नमस्ते, मैं स्मिता बात कर रही हूँ। देखिए, हमें जानना है कि आत्मा है या नहीं, कोई है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। स्मिता यार, प्लीज ये सब छोड़ और घर वापस चल। अरे मायरा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, सब अफवाह है, रूमर्स ओनली, नथिंग एल्स। मजाक कर रहे हैं क्या आप लोग? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अमेरिका से भागा भागा यहां आया हूं ये सब सुनने के लिए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं,
हम पर क्या बीत रही है ये हमें ही पता है। तुम्हारे बंगले की आत्माओं ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। What? मेरे बंगले ने? हाँ, तुम्हारे बंगले ने। तुम्हारे बंगले में आत्माएं घूमती हैं। मायरा बेटा, यहाँ पर आना। देख रहे मेरी बेटी की हालत? ये अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे बंगले पर गई थी। बाकी सब की भी यही हालत हुई पड़ी है। तुम्हारे बंगले की आत्माओं ने मेरी बेटी और उसकी सहेलियों को परेशान करके रखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बंगले में मेरी परमिशन के बगैर घुसने की जरूरत क्या थी? सूरज, हमारी बात को समझो। तुम यूएस में रहते हो लेकिन हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ये सब हमें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे बंगले से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे बेच ही देता हूं। कम से कम कोई वहां रहेगा तो आपकी ये आत्मा वाली अफवाहें तो खत्म हो जाएंगी। Nonsense. हमें मंजूर है। मैं तुम्हें एक ब्रोकर का नंबर देता हूं, वो तुम्हें इस जगह की अच्छे से अच्छी कीमत दिलवा देगा। आज ही फोन करो। अरे भाई, बोला ना बंगले के मालिक सूरज जी आ रहे हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा बंगले के अंदर भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा तुम फोन रखो, लगता है सूरज जी आ गए। आइए सूरज जी, आइए। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। सुखीलाल जी, मैं आपको बंगला अंदर से दिखाता हूँ, फिर कीमत लगाइएगा इसकी, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ सूरज बाबू, ये बंगला के कल सुबह देख लेंगे, अभी बहुत अंधेरा हो गया है। सुखीलाल जी, आप कमाल करते हैं, चलिए। हे भगवान, रक्षा करना मेरी, बचा लेना। अरे सूरज बाबू, पता नहीं इस बंगले के अंदर जाने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। सुखीलाल जी, आप कुछ भी बोले कि बंगला मेरा है, मैं आपके साथ हूँ, चलिए। अरे क्या बताऊँ, कुछ मत बताइए, आइए। देखिए सुखीलाल जी, ये बंगला कभी यहाँ मेरे अम्मा बाबूजी, भाभी भैया और उनका प्यारा सा 6 साल का बेटा सोनू रहते थे, और आज। अरे सूरज बाबू, एक तो राहत का वक्त है और ऊपर से आप ये गुजरे हुए लोगों की बात कर, ये ठीक नहीं। क्या हुआ सूरज बाबू? कुछ नहीं, इतने दिनों बाद आया था तो पुरानी यादें ताजा हो गई। मम्मी, कहाँ हो तुम? ये बंगला तो खाली था, इन आवाज कहाँ से आ रही? यहाँ आओ ना मम्मी। ये आवाज तो सोनू की है। कहाँ हो तुम? लेकिन वो तो मर चुका था। यहाँ आओ ना। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? मम्मी, कहाँ हो तुम? मैं चलिए अंदर। ये क्या हुआ? कल रात इसी हवेली में आए थे मेरे पति, पर अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। अरे लेकिन रात के समय हवेली में जाने की क्या जरूरत थी? पता है ना सबको, हवेली में आत्माएं घूमती हैं। लेकिन इन मर्दों को समझाए कैसे? चलिए ना, मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को ढूंढने में मदद कीजिए, अभी तो दिन है ना। बहन जी, कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा, ये भूत प्रेत आत्माएं, इनके लिए क्या दिन और क्या रात, वो कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। भाई साहब, कैसे मर्द हैं आप? मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे पति अंदर फंसे हैं, आप लोग कोई मदद के लिए तैयार नहीं है? बहन जी, आपके पति के चक्कर में अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या आप उसकी जान वापस कर पाएंगी? नहीं शशांक भाई, मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम सब साथ में चलते हैं हवेली में। हाँ बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो हमारे पास डंडे लाठियां भी हैं, अगर कोई खतरा होगा तो आपस में मिलके निपट लेंगे ना हम सब। मगर चलो, मैं भी चलती हूँ साथ में। चलो चलिए, चलो। अब
अब इतने बड़े बंगले में कहां ढूंढेंगे आपके पति को? शशक भाई, वो देखो, ये मेरे पति की ही घड़ी है। हे भगवान, इनकी तो सांसें बंद है। क्या? ये अब नहीं रहे। नहीं, रंजू के पापा, ये आपने क्या कर दिया? क्यों छोड़ के चले गए मुझे? ये क्या हो रहा है? जी, लगता है आत्मा आ गई। ये तो उसी की आवाज है। अरे चलो, चलो यहाँ से। तुम लोगों का खून पी जाऊंगी। ये तो प्रभा है, ये तो मर चुकी थी। हाँ, ये उसकी आत्मा है। चलो भागो यहाँ से। अरे रुको रुको, रुको। बाप रे बाप, अरे ये तो फिर मैं थे। अबे ठीक है, आसमान भी यहीं पे है। जान ले ली, आत्मा ने मेरे पति की जान ले ली, मार दिया रंजू के पापा को। हाँ, ससंग भाई जल्दी से सीआईडी को फोन करो। मैं सीआईडी को फोन करूँ? हाँ आप, अरे आप इस कॉलोनी के सेक्रेटरी हो, अंदर लाश है। अरे आप कॉल नहीं करोगे तो कौन करेगा? जल्दी से करो। हाँ ससंग भाई, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ करता हूँ। हेलो सीआईडी, वो देखो सीआईडी आ गई। किसने फोन किया था हमें? साहब, मेरा नाम शशांक है, मैंने फोन किया था। इस घर में आत्मा है साहब। अरे तो क्या हम कोई ओझा या कोई बाबा है जो हमें आपने फोन कर लिया? नहीं साहब, अंदर आत्मा ने खून कर दिया है, अंदर लाश पड़ी है साहब। लाश? किसकी लाश? मेरे पति की लाश है साहब। कल रात बस मनहूस हवेली में आए, लेकिन लौट कर नहीं आए। और जब हम लोग यहाँ अंदर हैं, वो मरे हुए थे। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। आप सबने देखी है लाश? जी हाँ। चलिए दिखाइए कहाँ। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं और पंकज बाहर से निगरानी रखते हैं इस हवेली की। वो क्यों? सर, अगर अंदर से आत्मा भाग के बाहर आएगी तो हम लोग पकड़ लेंगे ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं, दोनों चलो अंदर। सर, यहाँ पे कितनी शांति और सन्नाटा है। आत्मा रात में जागती है और दिन पे सोती है। अगर अभी उठ गई तो सबको सुला देगी। उस अलमीरा के पीछे थे साहब। यहां तो कुछ भी नहीं है। कहां है लाश? देखिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैंने तो यही देखी थी। हम सबने देखी थी लाश, यहीं पर तो थी अलमीरा के पीछे। तो फिर कहाँ गई लाश? आपके पति यहाँ क्या करने आए? ब्रोकर थे वो, इस हवेली का मालिक सौदा करना चाहता था इसका। क्या नाम था मालिक का? जी सूरज। इस बंगले के बाकी सब लोग तो मर चुके हैं, बस सूरज ही जिंदा था। और सर वो विदेश में रहते हैं। सर ये देखिए, ये देखो अभी अभी का है, ज्यादा देर नहीं हुआ है। इस बंगले के मालिक सूरज, उनका नंबर तो होगा ना आप लोगों के पास? हाँ साहब। सर नंबर दीजिए पंकज। 119-282-440। कॉल करो ना। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें इस बंगले की तलाशी लेनी है। चलो भाई इन्हें अपना काम करने दो। ये देखो सर, इसका स्क्रीन तो टूट गया। हाँ, इसका मतलब सूरज उस ब्रोकर के साथ यहाँ आया था, और यहाँ पे जो हाथापाई हुई उसमें शायद वो भी शामिल था। मगर ये सूरज गया कहाँ और उस ब्रोकर की लाश कहाँ है? एक काम करो, ढूंढो आसपास, छान मारो। कोई आया क्या पीछे से? अरे पलटो मत, पलटो की तो आत्मा झपट लेगी। तू 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 जा, आप खोलो, आप सिंगर हो। अरे ऐसे ऐसे मत करो, साथ में रहते ना प्लीज। पंकज हमें पूरा एरिया छान मारना है, यहां से हम दोनों के रास्ते अलग, तू उधर मैं इधर। नमस्ते। मैंने पता कर लिया सर, सर यहाँ पर एक आत्मा है और हमारा पीछा कर रही है, मगर हमें दिख नहीं रही सर। पंकज अब इस आत्मा से बाहर आ जाओ, आज तक कभी तुम साबित कर पाए हो कि आत्मा है? हाँ सर, अगर आत्मा सामने आ गई तो क्या मैं साबित करने के लिए जिंदा रहूंगा? मगर अब तुम जिंदा हो ना, वो आत्मा नहीं है। चलो तो आप पर भी कुछ पता चला? नहीं सर। सर मैंने सारा कमरा और हॉल दिख लिया, मगर डेड बॉडी और सूरज का ही नहीं दिखे। ये क्या, घसीटने का निशान? लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है। सर घसीटने के निशान इस अलमीरा तक है, हो सकता है उस ब्रोकर की लाश इस अलमीरा में हो।
इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है। सर मगर घसीटने के निशान तो यहीं तक है। ये हवा कहां से आ रही है? लगता है शर्मिला के पीछे कुछ है। ओ, सीढ़ियां है सर। हा? सिर्फ सीढ़ियां हैं और कुछ नहीं है। चलिए ना यहां से अंदर चल। ढूंढो आसपास। ठीक है। सर, सर जल्दी आइए। सर क्या हुआ? यहाँ पे बड़ी बेरे में से मारा है। दांतों से काट खाया सर। शायद कोई जानवर होगा जो उसे खींच कर यहां लाया और काट खाया। नहीं मयूर, यह आदमी के दांतों के निशान है, जानवर नहीं। सर मतलब यहां कोई आदमखोर था? हो सकता है। ये खून अभी तक सूखा नहीं है, ज्यादा देर नहीं हुआ ऐसे काटे हुए। मतलब वो आदमखोर इसे काट कर यहाँ किसी कमरे में छुप गया? हाँ, या फिर कोई और दरवाजा होगा इस बंगले से बाहर निकलने का। देखो जरा। सर, हाँ चलिए देखिए बाहर जाने का रास्ता। उधर मत जाना, वहां पे मुंडी कटी हुई आत्मा बैठी हुई है पेड़ पे। वो मास्क है पंकज, आत्मा नहीं। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं वो ऐसी बेमतलब की चीजें करते हैं। माँ कहती थी बेटा कोई बहादुरी का काम करके आना। से क्या बताऊंगा, क्या हालत है मेरी। मयूर क्या सर? तो तू है वो आदमखोर, इंसानों के इंसान को खाता है। बहुत भूख लगी है, तेरी भूख मैं मिटाता हूं। क्या मुझे जाना है? मैं लोगों के बीच में नहीं रहता, मैं जाऊंगा। जेल जाएगा तू और फांसी होगी तुझे। इस ब्रोकर को मार डाला और खा गए। मैं किसी को मारता नहीं, मरे हुए इंसान को खाता हूं। हाँ झूठ मत बोल। झूठ झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैं गलती करता नहीं हूं तो मैं उसको मानता नहीं, समझा? अरे तो हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? मत मान, मत मानो, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं आदमखोर हूं, खूनी नहीं, लाश को खाता हूं, खून नहीं करता, समझा? पैरों के निशान? तुझे पता कैसे चला कि यहां इस बंगले में लाश है? हा? मैं आदमखोर हूं, इस वजह से मेरे घर परिवार ने मुझे निकाल दिया। ये खुफिया रास्ते से इस हवेली में हर दिन आता हूं मैं, आज भी आया।
देखा। आत्मा के डर से लोग भाग रहे थे। मुझे वो लाश दिखी, मैं उसको लेकर आया और यहां बैठकर खा रहा था जब तक तुम लोग आ गए और मैं भाग गया। इस ब्रोकर के साथ दूसरा आदमी भी था, कहां है वो? जिंदा है सर? बता सूरज, क्या हुआ था यहां पे? सर, मैंने इस मनुष बंगले को बेचने के लिए उस ब्रोकर को बुलाया था, लेकिन जैसे ही हम अंदर आए, किसी ने पीछे से जोर से मेरे सर पे मारा। सर, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सर, जरूर उस आत्मा ने हमला किया होगा। हाँ सर, सूरज इस बंगले को बेचना चाहता था, शायद ये बात आत्मा को बुरी लग गई होगी। इस हवेली में आत्मा है, इसकी अफवाह चारों तरफ ऐसी फैली है कि इसका दाम 10 करोड़ से सीधे 2 करोड़ पर आ गया है। फिर भी मैं इस मनुष बंगले को बस बेचना चाहता हूँ। इस बंगले को तुम मनुष क्यों कह रहे हो? ऐसा यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि इस बंगले ने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। आज से 3 साल पहले मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और अचानक मुझे खबर मिलती है कि मेरे पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। लेकिन कल रात जब मैं उस ब्रोकर के साथ आया तो मैंने उस मिरर में अपनी भाभी प्रभा को देखा था। सूरज, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने इस आईने में तुम्हारी भाभी प्रभा को देखा? हाँ सर, ये वही आईना है। लेकिन सर, इसके बाद मुझ पर हमला हुआ जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये बात है, इस आईने के पीछे तो एक खुफिया रास्ता है। रेडी पंकज, तुम दोनों इस तरफ देखो। सर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, इनके साथ नहीं। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बच्चे नहीं। जाओ जाओ सिर्फ देखो, सिर्फ कोई आत्मा मिलती है क्या। पंकज, इस बंगले के अंदर कुछ ज्यादा ही खुफिया दरवाजे हैं। कोई अलमेरा से होके बेसमेंट में खुलता है तो कोई आईने के पीछे से पैसेज में। कमाल है। पंकज, एक काम कर, दरवाजा खोल और देख कमरे के अंदर कौन है। इसलिए मैं तैयार सर के पास जाना चाहता था। अरे आप सीनियर हो, थोड़ी तो बहादुरी दिखाओ, आप जाके खोलो ना। सीनियर? कौन सीनियर? हाँ, साथ में मिलके दरवाजा खोलते। हाँ, ये बात याद रखना। एक मिनट, इधर आना जरा, उधर देखो, उधर देखो, आगे जाओ, खोलो दरवाजा। हाँ, सीनियर हो ना। कोई नहीं है। पंकज, तू भी वही देख रहा है जो मैंने देखा? सर, मैं देखना तो नहीं चाहता था मगर मैंने देख लिया। क्या? औरत की आत्मा। दरवाजा, दरवाजा बंद कर।
स्पीकर्स, साउंड सिस्टम, प्रेशर, प्रेशर, ये उठो, वो देखो, स्पीकर और साउंड सिस्टम। प्रेडिसर की आत्मा, मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊं? ये पाउडर है, पाउडर चेहरे पे लगाने वाली पाउडर, मैं गिर गया इसमें। मेकअप का सामान इतने सुनसान बंगले में मेकअप कौन कर रहा था? सर, इतने सुनसान बंगले में स्पीकर और साउंड सिस्टम के साथ में पार्टी कौन कर रहा था? मौसी हूँ, इनको जाने दो साहब, कुछ नहीं किया। बहुत हो गया ये आत्मा का नाटक, चलो पूरे ले चलो ने। मिस्टर सूरज, ये है आपके परिवार वाले, जिंदा हैं ये और आत्मा बनकर लोगों को डरा रहे। भाभी सुनो, आप लोग जिंदा है, मेरी भाभी जिंदा है, सुनो हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी भाभी और सोनू जिंदा है। पर भाभी ये ऐसी हरकतें क्यों? भाभी बोलो, भाभी वो कुछ नहीं कर रही, ये सब आत्मा का खेल मैंने रचा है। हा? तुम्हारी भाभी और सोनू को बचाने के लिए वो खूनी तो पूरे परिवार का ही खून कर देना चाहते थे, लेकिन उनकी गलती से दोनों बच गए। अब अगर उन्हें मालूम हो गया कि दोनों जिंदा हैं, तो ये इन्हें भी खत्म कर देंगे। तो क्या सूरज के परिवार वालों ने आत्महत्या नहीं की थी? जी नहीं, ये सब उसने अफवाह फैलाई थी कि उन लोगों ने खुदकुशी की है। क्या भाभी, भाभी ये सच है? सूरज, जब से इसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का खून होते देखा है, तब से इसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, बहुत कम बोलती है। लेकिन बेटा, ये बात सच है। हे भगवान, कम से कम भाभी और सोनू जिंदा है। हमने किसी को नहीं मारा, किसी का खून नहीं किया। तो किसने किया खून? बोलो भाभी, कौन है खूनी? बोलो। वो यहाँ यहाँ आता है, कल भी आया था, कल भी आया। कौन आता है, किसकी बात कर रही है? पता नहीं सर। सूरज, तुमने आजकल में कोई डॉक्यूमेंट साइन किया था? डॉक्यूमेंट? हाँ नहीं सर, नहीं। तो फिर ये तुम्हारे अंगूठे पे इंक कहां से आया? इंक पता नहीं सर, कैसी है? नहीं पता। नहीं पता सर। पता चल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। अरे क्या हुआ शशांक भाई, ऐसे अचानक मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? सीआईडी के अफसरों को कुछ जरूरी बात करनी है हम लोगों से। ये लो आगे आइए सर, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। ब्रोकर की लाश और सूरज के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो ब्रोकर और सूरज वो दोनों मर चुके हैं। क्या क्या? हे भगवान, एक सूरज ही तो बचा था उस परिवार में और वो भी मर गया। लेकिन सर,
ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली ब्रोकर और सूरज की किसी बात पे लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे का खून कर दिया। लेकिन आपने हम सबको यहाँ किस लिए बुलाया? देखिए, हम लोग आपको ये बताने के लिए आए हैं कि वो बंगलो हॉन्टेड नहीं है, बल्कि बहुत समय से खाली रहने की वजह से उसमें एक आदमखोर आदमी रहता था। आदमखोर? और वही आदमखोर अजीब अजीब आवाजें निकालकर और अपना हुलिया बदलकर लोगों को डराता था ताकि कोई वहां रुके नहीं। लेकिन डोंट वरी, हमने उसे पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की वजह से अब इस कॉलोनी में हम लोग चैन से रह सकते हैं। हाँ साहब, पिछले 3 सालों से डर डर के जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे हम लोग यहाँ पर। नहीं नहीं, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग निडर होकर रहिए, किसी को कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद। या थैंक्स। लग गए मेरे प्लान को कामयाब होने में, लेकिन आखिरकार वो हो ही गया जो मैं चाहता था। अब ये हवेली मेरी है, हमेशा के लिए मेरी है। हे, कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? अरे खोलो दरवाजा। कौन है? अरे दरवाजा खोलो। अरे क्यों दरवाजा बंद किया? अरे कौन है? कौन है यहां पर? कौन है? मैं आत्मा आत्मा नहीं मानता। तुम लोग जानते नहीं हो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मुझसे होशियारी मत करना, समझे? कौन है? सामने आओ। अंकल सोनू, अंकल मुझे नीचे उतारो ना। मैंने तो तुझे ऊपर भेज दिया था, तू वापस कैसे आ गया? मतलब तू सोनू की आत्मा है? हट, मुझे नीचे उतारो ना अंकल, मुझे नीचे उतारो ना। मुझे नीचे उतारो ना अंकल। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि मरने के बाद आत्मा बनके तुम वापस आ जाओगे। माफ कर दो भैया मुझे। तुमने तो हमें भी मार डाला था शशांक। मुझसे भूल हो गई, लालच में आकर मैंने पूरे परिवार को मार दिया। मुझे लगा कि कोई बारिश नहीं होगा तो सारी दौलत ये हवेली सब मेरी हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। आत्मा नहीं शशांक, तुम्हारे गुनाह तुमसे बदला ले रहे हैं। चाहे कितनी भी होशियारी कर लो, गुनाह कभी छुपता नहीं। तुम लोग आत्मा नहीं हो?
और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। मेरा ही प्लान था कि सूरज को हवेली में बुलाकर उसका खून कर देंगे। मैंने और उस ब्रोकर ने मिलकर सूरज को मार दिया। लेकिन सूरज मरा नहीं, वो सिर्फ बेहोश हो गया, मगर तुम लोगों को लगा कि वो मर गया। हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा था। फिर अचानक से वो ब्रोकर गिर पड़ा, उस पर अलमीरा गिर पड़ी और वो मर गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं यहाँ से निकल गया। उसके बाद प्रभा ने बेहोश पड़े सूरज को पहचान लिया और फिर सूरज को बेहोशी की हालत में खींच कर अलमीरा में छिपा दिया। हाँ सर, मुझे डर था कि ये शशांक फिर से आएगा और सूरज को मार डालेगा। और फिर वो आदमखोर इस हवेली में घुस गया और ब्रोकर की लाश को उठा के ले गया। शशांक, तुमने एक गलती कर दी। सूरज को मरा हुआ समझकर उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे उसके अंगूठे का निशान ले लिया तुमने। और जब हमने देखा कि सूरज के अंगूठे पे स्याही का निशान है, तो खूनी को पकड़ने के लिए हमने ये खबर फैला दी कि सूरज भी मर गया। और तुम हमारे जाल में फंस गए। बड़ी हवेली के लालच ने तुम्हें जेल के काल कोठरी तक पहुंचा दिया और अब कानून का फैसला तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.